कदमा गणेश पूजा मैदान में राष्ट्रीय आर्ट एवं क्राफ्ट मेले का आयोजन किया गया है जो एक माह तक चलेगा। एक माह तक चलने वाले इस मेले में हाथ से बनी वस्तुएं आकर्षण का केंद्र है। कुल 100 स्टॉल्स लगाए गए हैं। मेले का उद्घाटन खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने फीता काटकर किया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। शहर में इस तरह के मेले का आयोजन पहली बार किया गया है। हाँ, ये डबल बेड का है। दाम कितना होगी तो बताओ। 1500 का है। तेरे जी, देखिए। बैठ जाने चाहिए। दोनों पश्चिमा ही दिखा रहे हैं। पश्चिमा वही हमारे पास। अरे ये राष्ट्रीय हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के नाम से ये आपके यहाँ शहर में प्रदर्शनी लगाई गई है, जो कि ये हमारी 16 जनवरी से 10 फरवरी तक चलेगी। इसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के हाथों से बनाई हुई वस्तुएं हैं, जो कि ये आपके घरों में बहुत ही कम मिलने वाली हैं, आपके बाज़ारों में बहुत ही कम मिलने वाली हैं। ये आपके और आपके घरों को सजाने और संवारने वाली हैं। इसीलिए आप सभी से हम अनुरोध करते हैं कि आप इस प्रदर्शनी एक बार जरूर। अरे, ब्रेक के बाद अगली खबर है। उर्दू अकेडमी की मांग को लेकर आजसू अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा एक मांग पत्र राज्यपाल के नाम सौंपा गया। झारखंड उर्दू अकेडमी की स्थापना की मांग आजसू अल्पसंख्यक मोर्चा ने उठाई है। राज्य के उर्दू शिक्षकों और उर्दू भाषा भाषी बच्चों की सहूलियत के लिए उन्होंने एक मांग पत्र DC के माध्यम से राज्यपाल को सौंपा है। उनका नेतृत्व चंद्रगुप्त सिंह कर रहे थे। आपको DC साहब के माध्यम से हम लोग एक मेमोरेंडम देने जा रहे हैं। झारखंड राज्य अलग होने के बाद इस झारखंड राज्य में उर्दू एकेडमी का गठन नहीं हुआ, जिससे कि आपकी बहुत सी समस्याएं हैं जो उर्दू समाज के या उनके अनुयायी जो हैं उनको कल्याण की बात, उनकी उन्नति प्रगति की बात, बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था, अन्य सारी व्यवस्था का ध्यान सरकार का नहीं है। इसलिए सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए हम लोग एक मेमोरेंडम पहले भी हम लोग दिए हैं, फिर दोबारा भी हम लोग रिमाइंडर के रूप में दे रहे हैं। कार्ल मार्क्स जन्म वार्षिक समारोह के अवसर पर माइकल जॉन प्रेक्षागृह में देश के जाने माने मार्क्सवादी चिंतक प्रकाश करात अपना वक्तव्य देंगे। उक्त जानकारी मुख्य आयोजक विकास मुखर्जी ने दी। 2 बजे माइकल जॉन ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम होगा, जिसमें मुख्य वक्ता रहेंगे प्रकाश करात जी, जो भारत के जाने माने मार्क्सवादी चिंतक हैं। वो उस सभा को संबोधित